हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल लकी स्टार में। दोस्तों आज हम बात करेंगे ITI NCVT का जो अभी तक एग्जाम नहीं हुए उनके बारे में। दोस्तों उनकी साइट फिर से खुल चुकी है। यदि जिन बच्चों ने अभी तक अपना फीस पेमेंट नहीं किया है CBT ऑनलाइन एग्जाम के लिए, तो अपना एग्जाम फीस पेमेंट कर ले, क्योंकि उसकी लास्ट डेट है दोस्तों 11 जुलाई। दोस्तों मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको कि उसकी लास्ट डेट है 11 जुलाई। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि किस प्रकार से अपनी ऑनलाइन CBT फीस अपने आप से खुद से अपने फ़ोन से ही उसको भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों, जिनको अभी तक ये पता नहीं है कि अभी उसकी डेट आई हुई है। बहुत से लोगों को अभी तक ये नहीं पता है कि अभी ITI की जो CBT एग्ज़ाम जिनका नहीं हुआ है उनके अभी तक डेट, मतलब जो अभी तक जिन्होंने अपनी फ़ीस पेमेंट नहीं की है उनको अभी तक ये पता नहीं है कि इसकी डेट आई हुई है। तो कृपया करके इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाइएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों कि आपको अपने फ़ोन में कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना और यहाँ पे गूगल सर्च में टाइप करना है निम्मी ऑनलाइन एडमिशन। ठीक है, यहाँ पे आपको टाइप करना है निम्मी ऑनलाइन एडमिशन। आप जैसे दोस्तों इसको यहाँ पर टाइप करेंगे आपके सामने ये फर्स्ट नंबर का आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं CBT एग्जामिनेशन 2020, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। आप जैसे दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे ऊपर आ जाना है। यहाँ पे उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों कि आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर यहाँ पे इंटर कर लेना है। आपको यहाँ पे रोल नंबर अपना इंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ये कैप्चा इंटर कर लेना है 28324। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, वेरीफाई एंड पे पर क्लिक कर लेना है। आपको इस पर क्लिक कर लेना है। आप जैसे ही इसे क्लिक करेंगे दोस्तों आपकी सारी डिटेल यहाँ पे खुल के आ जाएगी। आप ये देख सकते हैं कि आपकी यहाँ पे सारी डिटेल यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पे सारी डिटेल यहाँ पे शो हो रहा है, नाम पता, किस स्कूल में आप पढ़ते हैं, किस कॉलेज में पढ़ते हैं, सारी यहाँ पे डिटेल आपको यहाँ पे शो हो रही है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे इंटर कर लेना है, अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पे अपना ईमेल आईडी। आपको इसमें यहाँ पे दो यहाँ पे अपना इंटर कर लेना है, ऊपर मोबाइल नंबर, नीचे वाले में अपना ईमेल आईडी यहाँ पे फिलअप कर लेना है। इसको फिलअप करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे करना है आई नो। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों एक और बात बता दें कि यहाँ पे एक आप यहाँ पे चीज़ ध्यान देंगे कि जो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ईमेल आईडी के नीचे कि पेमेंट इन्फॉर्मेशन एंड अदर मैसेज विल बी सेंड टू दिस ईमेल ओनली। यानी कि जिस इस पेमेंट की रिसिप्ट होगी और अदर जानकारी इस साइट से CBT एग्जाम से जितनी भी जानकारी होगी आपको आपके ईमेल पे ही भेजी जाएंगी। तो उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, पे नाउ पे क्लिक कर लेना है। आप जैसे ही पे नाउ पे क्लिक करेंगे दोस्तों एक बार अपना मोबाइल नंबर एक बार अपने अच्छे तरीके से चेक कर लीजिए कि आपका मोबाइल नंबर सही है कि नहीं और आपका ईमेल आईडी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसकी टोटल जो फीस है, टोटल अमाउंट है 376 रुपये यहाँ पे है। और यहाँ पे अपना सारी जानकारी यहाँ पे देख सकते हैं, आपका यहाँ पे नाम शो हो रहा है, पूरा नाम शो हो रहा है, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यहाँ पे सारी डिटेल यहाँ पे शो हो रही है। उसके बाद दोस्तों आपको आगे बढ़ जाना है और यहाँ पे आपको पेमेंट मेथड पे यहाँ पे पेमेंट कर लेना है। आपको जो इसमें से ईजी लगे, सब फर्स्ट नंबर पर यहाँ पे कार्ड पेमेंट आ रहा है, कार्ड पेमेंट ईजी है दोस्तों, आप अपना कार्ड पेमेंट चूज़ करके यहाँ पे कार्ड पेमेंट कर सकते हैं। या आप चाहें तो यहाँ पे और भी अदर ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेबिट कार्ड, उसके बाद नेट बैंकिंग है, उसके बाद यहाँ पे वॉलेट से कर सकते हैं या UPI या EMI ऑप्शन। EMI ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों इसमें, आपको UPI ऑप्शन पे क्लिक करके इसको पेमेंट करना है UPI या डेबिट कार्ड से। इस प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ पे पेमेंट कर लेना है। आप जैसे इसको पूरा करेंगे आपके सामने इस प्रकार का एक आपके सामने एक ईमेल खुल के आ जाएगा। आप देख सकते हैं इस प्रकार का ईमेल आपका यहाँ पे खुल के आ जाएगा कि आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने एक इस प्रकार का ईमेल आ जाएगा। और यहाँ पे एक और दिखा देता हूँ, एक और आपके पास ईमेल आएगा इस प्रकार का, आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक और इस प्रकार का ईमेल आएगा। आप देख सकते हैं कि CBT यहाँ पे आपका फेज़ वाइज लिखेगा कि आपका किस फेज़ में एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पे दिखा रहा है 16 फेज और यहाँ पे आपका रोल नंबर, यहाँ पे टोटल अमाउंट जितना कटा होगा, सारी डिटेल यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे देख सकते हैं फीस पेमेंट सक्सेसफुली, इस प्रकार का आपको एक ईमेल आएगा, आपको इसको अपने सेव करके रखना है अच्छी तरीके से। दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ दोस्तों, आप क्या करिएगा दोस्तों कि आप कृपया करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा जिनसे कि उन सबको ये जानकारी मिल सके। ठीक है दोस्तों,
इसकी डेट लास्ट डेट दोस्तों 11 जुलाई तक है। कृपया करके जिन जिन छात्रों ने अभी तक इसको नहीं भरा है, अपना फीस पेमेंट नहीं किया है, तो कृपया करके उनको बोल दीजिए कि इसकी पेमेंट कर ले, जिससे कि उनका एग्ज़ाम जल्द से जल्द हो सके और ITI उनकी फाइनल हो सके। धन्यवाद दोस्तों।